स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। जनपद संत कबीर नगर के नाथनगर ब्लॉक के ग्राम मानपुर में फूलन जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित अपना मुखिया बनाओ सामाजिक जन चेतना सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में फूलन जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वीरांगना फूलन देवी के धर्मपुत्र कश्यप पप्पू भैया निशा जनसभा को संबोधित किए। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नारा दिया, अपना मुखिया बनाना है, सबको हक दिलाना है, अधिकार वंचित समाज वोट वहाँ करेगा, फूलन जनता पार्टी जहाँ कहेगा। इस कार्यक्रम सम्मेलन में अनंत कुमार मध्यसिया संस्थापक अध्यक्ष यूपी बिहार संघर्ष मोर्चा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट वीरू गुप्ता धनघटा संत कबीर नगर। और जिसमें काफी भीड़ भी देखी गई, तो क्या लक्ष्य है 2024 के लिए? 2000 लक्ष्य 2024 में लक्ष्य यही है कि मैदान में उतारेंगे, निकल चुके हैं। यहाँ एक पार्टी है डॉक्टर निषाद की, वो भी निषाद के यूनिट का दावा कर रही है। पूर्व में ऐसा देखा गया, फूलन देवी का पोस्टर भी लगा के प्रचार भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये भरूपिया लोग हैं जो कि उनके नाम पर भजाया है सिर्फ, लेकिन अब उनका धीरे धीरे पत्ता गोल हो रहा है। वो जो समय था वो खत्म हो गया इनका, अब पूरा जनता पार्टी की सरकार है। 24 में किसी से गठबंधन भी होगा आपका? अभी तो अपनी दमदारी पर लड़ा रहे हैं, हम किसी के पास जाएंगे नहीं, जिसको आना होगा वो हमारे पास आएगा। आज़ादी के बाद ऐसा देखा गया, तमाम ऐसी सरकारें रहीं केंद्र में भी राज्य में भी, और पत्रकारों के साथ हमेशा शोषण होता रहा है। अभी हाल ही में सरकार जो चल रही है, आप देखे होंगे तमाम पत्रकार जेल गए जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर देश के सबसे बड़े पंचायत में आप पहुंचते हैं तो पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? हमारे कड़धार हैं, हमारे भाई हैं, और उनको राजनीति में भी लाऊंगा और उनकी सुरक्षा भी हम करेंगे। समाज के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के, हमारे जो अति पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज के लोग हैं, अगर इनके ऊपर कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी आएगा या किसी ने उंगली उठाने का काम करेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का मैं काम करूंगा। और आपका भाई आपका बेटा हमेशा आप लोगों के बीच में रहेगा। रात में भी हमारे यहाँ फोन करिए, आपका फोन रिसीव होता है, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। मुझे बताइए, मैं यही नहीं उत्तर प्रदेश नहीं, मैं राजस्थान हरियाणा पंजाब बंगाल तक का मैं डील करता हूँ, महाराष्ट्र में भी हमारा फोन जाता है, कोई परेशानी कोई दिक्कत होता है। उत्तर प्रदेश के बिहार के लोग बेचारे गरीब जो गए हैं मजदूर विदेश बाहर जो कमाने के लिए, उनके ऊपर कोई दिक्कत आता है, आपके भाई से कितना होता मैं हेल्प करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इस प्रदेश की सरकार से, छोटा से छोटा एक कोई भी कांड हो जा रहा है, मधुमक्खी हत्याकांड ले लीजिए, आरुषि हत्याकांड ले लीजिए, साहबुद्दीन की हत्या सीबीआई उनका ले लीजिए, काला हिरन जो है कि सलमान खान जी का ले लीजिए, लेकिन हमारी माँ की हत्या हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में बैठे थे प्रदेश में, बहन जी और राजनाथ सिंह की गठबंधन सरकार थी, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, देश की ऐसी क्रांतिकारी महिला संघर्षशील महिला की हत्या हो गई, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से, और जो हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, कि मैं आपको आरक्षण दिलाऊंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा विधानसभा लोकसभा राज्यसभा में भेजूंगा, ये क्या कर रहे हैं सारे नेता? ये सिर्फ अपना रोटी सेक रहे हैं। मैं समाज के लोग और सभी लोगों से मैं विनती करूंगा कि ऐसे नेताओं से सचेत रहिए। सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है, फिर आपको लॉलीपॉप दिया जाएगा आरक्षण का, वही कहानी है, आरक्षण दिलाएंगे आरक्षण दिलाएंगे, जब इलेक्शन आ जाता है तो टाइमिंग तारीख डेट सब गायब हो जाता है। आज हर गांव में जहां इंटर कॉलेज होना चाहिए,
जहां बच्चे लोग को शिक्षा फ्री होना चाहिए, आज वही गांव के बाहर जो है एक दारू का ठिका खोला जा रहा है कि इनके बच्चे जो है पढ़ लिख के आगे आईएसपीसीएस दरोगा एसपी डीएम बनेंगे। ऐसे लोगों को बीच में दारू ही ठिका खोला जाए ताकि ये पी के दिन भर नशे में रहेंगे। मैं चाहता हूँ नदी किनारे जितनी भी दलित बस्ती है वहाँ भी एक इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज होना चाहिए ताकि उनके भी बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएं जो है आईएसपीसीएस बने जो है। लेकिन जिस दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई उस दिन मैं सभी समाज का दिशा और दशा बदलने का काम करूंगा और मैं कोई सत्ता की राजनीति करने नहीं आया हूं। मेरी माँ ने एक लड़ाई लड़ा था जो उस लड़ाई को मैं लड़ने आया हूँ आप सबके बीच में, आपका भाई आपका बेटा बन के मैं चलना चाह रहा हूँ, आपके दुख सुख में मैं चलना चाह रहा हूँ। आप सबके बहन बेटी की शादी विवाह होता है, आप लोग मुझे बुलाइए, जितना मुझसे सहयोग होगा मैं आप लोग के बीच में करूँगा। और तो भीड़ी चली गई है, चलिए फिर समय मिलेगा मैं आप लोग के बीच में आऊँगा। जय माता फूलन देवी, जय भीम, जय सर समाज करके प्रणाम करा चाली जा गोठू के हम बोल रहा चाली जा। ए भैया आज फूलन जनता पार्टी के एक उद्देश्य में विराजना फूलन देवी जी के धर्मपुत्र माननीय कश्यप पप्पू भैया जी ने पार्टी का गठन किया फूलन जनता पार्टी और विराजना फूलन देवी जी के चरणों में भी हम सदा सुमन पुष्प अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। पार्टी के भी कौनो पार्टी हो कौनो भी संगठन से होला ओके कौनो न कौनो से उद्देश्य होला और विराजना फूलन देवी जी के धर्म पुत्र माननीय कश्यप पप्पू भैया निषाद जी जो पार्टी इन्होंने फूलन जनता पार्टी नाम रखा है बहुत ही सोच समझ करके रखा है फूलन जनता पार्टी बीजेपी। हमको तो ये बहुत उम्मीद है, मैं आशा दिलाता हूँ विश्वास दिलाता हूँ माननीय कश्यप पप्पू भैया निषाद जी को कि आने वाले 2024 में और 27 में बीजेपी बनाम बीजेपी होगा, देश में जो लड़ाई होगा बीजेपी बनाम बीजेपी होगा और फूलन जनता पार्टी के लिए हमारा यूपी बिहार संघर्ष मोर्चा भी यूपी बिहार संघर्ष मोर्चा के उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भजूराम नेताजी जो हरिषा विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं वो भी उपस्थित है, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे यूपी बिहार संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशीष मौर्य जी भी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यूपी बिहार संघर्ष मोर्चा के अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सोमनाथ गौतम जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और यूपी चोर जाति अधिकारी और हर कुर्सी अब अंधी बहरी हर कुर्सी हत्यारी हर कुर्सी के हर पाए पर पंजीकृत गद्दारी और शराब चौराहे पर अब रिश्वत के डंका बजता है भारत का हर कार्यालय रावण की लंका लगता है दिन रात पसीना बहने पर अब पेट नहीं भर पाता है उधर पेट दुई नंबर का दिन रात फूलता जाता है न्यायालय के परिसर में अन्याय न्याय को ठगता है ऊपर से नीचे तक अब सोने का सिक्का चलता है कैसा है भाई काम काज अरे कैसा है भाई खेल कातिल को कुर्सी मिली फरियादी को जेल श्यामा रामचंद्र की जय अरे रघुपति राघव राजा राम पहले पैसा पीछे काम बगैर घूस के अब नहीं होता। ए भैया बोला कहीं जाता तो थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में तभी ना पैसा डाले ना सुनाई होता बगैर घूस के अब नहीं होता। अरे देश के अंदर कोई काम अरे जितना पैसा उन्होंने काम रघुपति राघव राजा राम जे बहादुर खर्चा धारी देश को लूट लो बारी बारी सब में नब्बे है बेईमान तभी तो मेरा देश महान लूटो खाओ जिनका काम घोटाला जिनका पहला काम फिर भी देश देश जनता सम्मान वाह गुरु सतनाम सतनाम तुझको करूं झुक झुक सलाम। भाइयों तो सुबह की पहचान है गुड मॉर्निंग बोलते हो तो सुबह की पहचान है गुड इवनिंग बोलते हो तो शाम की पहचान है राम राम
बोलने से भी भगवान की पहचान है, अरे वाले को सलाम बोलने से भी अल्लाह की पहचान है। पर मैं कहता हूँ कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय संविधान बोलने से भी इंसान को इंसान से पहचान है। राष्ट्र धर्म का बात नहीं है, हमें पता है जाति का, कैसे माँ के बेटे जीवन जीते हैं अपराधी का। अरे दहेज को पत्थर रुकना पाया, कानून बना है पर उसका विश्लेषण नहीं हो पाया है। भारत का जनजन सामान्य संविधान नहीं कह पाया है, वोट बैंक की राजनीति में घर घर को पटवाया है, घोर इट पिट पीने को दिमाग जरूरी है, भारत के मतदाता का मतदान जरूरी है, मतदान भी आप लोगों को करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। ई बाबा लोग को हला लोग की कन्या दाना मत जाने के है हुए जा। ए भाई ई बतावा यहाँ तो ना हम जाना था बिहार में भाई रोहनी वहाँ लोग अगर बार खोजे में रहा तो थाना पे भी रुक जाना आवेदन देना कि हम अपने बहन बेटी के फला फहरी का ब्याह करो कन्हैया तभी आप इसमें देख करके पता करके दरोगा साहब से पूछा ना लोग दरखास्त देना कि देखिए वो लड़का के ऊपर कोई धारा नहीं ना हुए कोई मुकदमा नहीं ना हुए जा तब शादी ब्याह बिहार में लोग करा ला जा। तो भाई अगर जुआरी नहीं शराबी नहीं ओकरा पे केहू अपन बहन बेटी के ब्याह ना करला तो अन्न दान करने से भूखे तन को मिलती है तृप्ति, नेत्र दान करने से जन्म के अंधों को मिल जाती है दृष्टि, कन्या दान करने से मानव जीवन सफल कहता है, देह दान करने वाला यहाँ देव से पूजा जाता है। अरे जन्म के बहनी होकर के मतदान से क्यों कतराते हो, शासन की इच्छा रखकर अनुशासन से क्यों घबराते हो। तो कन्यादान और मतदान एक ही है तो बर खोजना रहता है, 3 महीना 3 साल 13 दिन लग जाता है। आज जब मतदान के बारी आवाला तो कभी लगल मिनटों में भी लोग पलट जला, दारू शराब रुपया पैसा गोश मछली पाऊ सा पिया देला पौआ सा पिया देला ओपे लोगों देला दे देला। इस पर आप लोगों को वोट नहीं करना चाहिए, आप लोगों को ये सोच विचार करके वोट करना है आने वाले 2024 में कि मेरा सही दिशा में मेरा दशा और दिशा कौन बदलेगा,